Hey, स्वागत है आपका. मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com. आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा, दिमाग तेज करने का सीक्रेट भूलना भूल जाओगे. क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं. इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी. वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे. माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भरों में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया. टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए. विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं. लता मंगेशकर, जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी. कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है. आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता. आपको वीडियो के पहले ही बता देता हूं, वीडियो 2 हिस्से में होगा. पहले हिस्से में आपका और आपके बच्चों का दिमाग को थोड़ा तेज कैसे किया जाए, वो क्या है तेज दिमाग का सीक्रेट. दूसरे आइए, आप इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं, आप मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा. उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बगुला बको ध्यानम, बड़ा फोकस्ड होता है उसका, बको ध्यानम काग चेष्टा बको ध्यानम, या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया को गड़बड़ तो नहीं हो रही. थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है देख के सीखता है, या ऑडिटरी है सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है. उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड. मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है. उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती है. जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं. हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया. आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर. 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया. आरन सोमेश, जानते हो, उसने 5 साल की उम्र में रोबोट बना दिया. वो दुनिया का यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बना क्योंकि उसके मां बाप ने 4 साल की उम्र में उसको रोबोट मेकिंग किट लाकर के दी थी, जिसके चक्कर में सारा वो उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा. वो उसकी डिजाइनिंग चालू कर दिया, मम्मी के साथ लग जाता था, और उसने रोबोटिक ट्राईसाइकिल बना दी. उसने जो लोगों को दिखता नहीं है, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए उसने एक लाठी बना दी ऐसे रोबोट की कि उनको कभी जिंदगी में तकलीफ ही ना आए. उन्होंने उसने पहले रोबोटिक हैंड भी बनाया, डिजिटल क्लॉक भी बनाई, एक स्मार्ट कार्ड सीट बेल्ट भी बनाई. आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा 16 साल की उम्र में उसको पहली, मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया. क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था. 20 साल की उम्र में शी वॉज इंडिया यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया.